सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ही काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो SMS एडिटर के नाम से है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस ऐप की मदद से आप किसी भी आए हुए SMS को एडिट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने कहा था, भाई हम नहीं जा पाएंगे, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ और लिख दूंगा कि भाई हम आ रहे हैं और मैं तेरा वेट कर रहा था भाई, तो तू नहीं आया। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ और यस कर लेता हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो है उसका SMS है वो चेंज हो गया है फ्रेंड्स, और आप उसे दिखाकर बोल सकते हैं कि भाई देख, ये तेरा ही SMS है और तूने बोला था कि तू आ रहा है, तो मैं कब से यहाँ वेट कर रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड प्लीज़, ये किसी को हार्ट करने के लिए ऐसा इस्तेमाल आप मत कीजिएगा कि किसी के दिल को हार्ट हो या उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वैसा आपको नहीं करना है फ्रेंड। ये सिर्फ एक प्रैंक के लिए है। तो यहाँ देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है वेल्पी। वेल्पी का इस्तेमाल फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, अपने फ़ोन में बहुत सारे वॉलपेपर को ऐड कर सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही यूनिक और इनसेन आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जिसका आप ऑक्यूपेसिटी घटा बढ़ा भी सकते हैं और इसे ब्लर भी कर सकते हैं, और फोरग्राउंड पे भी आप इसे रख सकते हैं, और आगे में आप इसे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेवर सेटल करके एक टेक्स्ट आ गया है अगर आप इसे फोरग्राउंड में रखते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो काफ़ी ही अच्छा एप्लीकेशन है। मैं इसे काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे भी मोबाइल में मैं इसे डेली चेंज करता रहता हूँ, तो काफ़ी ही अच्छा बैकग्राउंड आपको देखने को इसमें मिल जाता है, काफ़ी ही इनसेन लुक लगता है। देख सकते हैं आप, ये जो वॉलपेपर है वो काफ़ी ही डिज़ाइन और अच्छी फील कराते हैं ये, और इसका आप काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रेंडिंग में भी आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे। इसे आप सेव करके भी रख सकते हैं और इसे आप लव करके भी अपने फोल्डर में एक अलग से रख सकते हैं कि डेली आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर लें। लिंक छोड़ दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर लें फ्रेंड। तो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन पर और बोथ पर भी आप इसे सेव कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हैं इसे यूज़ करना तो लिंक छोड़ दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज भी आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे फ्रेंड। तो हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन है तो उसका नाम है शॉट ऑन MI कैमरा। अक्सर आपने देखा होगा फ्रेंड कि बहुत सारे फ़ोटो के ऊपर एक ब्रांड होता है, शॉट बाई MI A1, शॉट बाई पिक्सल 2। तो ऐसा ही कुछ एप्लीकेशन है, इसमें आपके फ़ोटो पे स्टाम्प आ जाएगा। किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से आप फ़ोटो खींचिए, उसके ऊपर स्टाम्प आ जाएगा। देख सकते हैं मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर में, अभी तो ये नहीं आया है, अब देखिए फ्रेंड्स स्टाम्प एडेड सक्सेसफुली। अब मैं जाकर अगर गैलरी में इस फोटो को देखता हूँ तो इस फोटो के अंदर जो है आपको जो है ब्रांड देखने को मिल जाएगा। मैंने इसमें सेट कर दिया Redmi Note 5, हालांकि ये मैं Redmi Note 4 से क्लिक किया हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये स्टाम्प शॉट ऑन Redmi Note 5। काफ़ी ही कूल लगता है फ्रेंड, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में काफ़ी ही ज़्यादा चल रहा है। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप काफ़ी आसानी से किसी भी मोबाइल से खींचे हुए फ़ोटो के ऊपर अपना ब्रांड किसी भी मोबाइल का लगा सकते हैं। लोगो में जाकर आप इसका लोगो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे Google Pixel 2 का ये लोगो है, साइड में आपको मिल जाएगा MI का लोगो, तो MI का लोगो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी फ़ोटो के ऊपर जो ट्रेडमार्क आएगा वो MI का या LG का या Samsung का, या फिर आप Google Pixel 2 या और भी कोई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉट ऑन में भी जाकर आप कुछ अपना भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, अगर इसमें आपको एप्पल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो क्लिक कीजिए ऐड पर और शॉट ऑन बाई एप्पल X कर दीजिए या एप्पल 10 कर दीजिए, या आपको जो भी एप्लीकेशंस या फिर मोबाइल या फिर किसी भी चीज़ का नाम लिखना है वो आप कर लीजिए, या फिर DSLR भी कर सकते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं और शॉर्ट ऑन बाई वो आ जाएगा फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, और यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं कि शॉर्ट ऑन बाई Redmi Note 5, और फिर मैं टेक्नो मिर्जा लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हैं इसे यूज़ करना तो लिंक छोड़ दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर इसे चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन और भी मिल जाते हैं, जैसे कि साइज़ वगैरह चेंज करने के लिए, और फॉन्ट का ऑप्शन काफ़ी आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें और यूज़ करें। अब जो हमारी फोर्थ एप्लीकेशन है उसका नाम है Hexadder। ये काफ़ी ही कूल लुकिंग एप्लीकेशन है, इसमें लाइव वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं जो आप अपने वॉलपेपर पर रख सकते हैं मोबाइल के। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ्लेम है, और यहाँ पर आप इसे डिटेल्स लेवल भी कर सकते हैं और टाइम स्केल भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल भी मैं कर रहा हूँ, और मैंने लाइव वॉलपेपर भी अपने मोबाइल पर बहुत सारे रखे हैं, तो इसमें आपको बहुत सारा मिल जाता है। ये फायर वाला काफ़ी अच्छा है, मैं इसे सेट कर लेता हूँ अपने मोबाइल पर, और होम स्क्रीन में भी आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देख सकते हैं ये मेरे होम स्क्रीन पर आ गया है, काफ़ी अच्छा कूल लुकिंग लग रहा है वॉलपेपर, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड इसे कर लें। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो
ये थी हमारी चौथी एप्लीकेशन, काफ़ी कूल है तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारी जो फिफ्थ एप्लीकेशन है वो लाइट एक्स करके है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी PNG इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर ले और इसका PNG आप बना सकते हैं, यानी कि साइड में आपको जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इरेजर टूल को यूज़ करना है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है तो वो आप बाद में यूज़ करते रहिए, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो लगा PNG बनाने का, यानी कि साइड में आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं PNG इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है ये ऑब्जेक्ट को ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, तो काफ़ी आसानी से आप इसके PNG कर सकते हैं। मैं तो थोड़ा तेज़ी में कर रहा हूँ, तो आप स्लो स्लो करके आराम से इसे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हैं इसे डाउनलोड करना तो लिंक छोड़ दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो सिक्स एप्लीकेशन है उसका नाम है वॉल वॉच। ये भी एक वॉलपेपर से रिलेटेड ही एप्लीकेशन है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में दो एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड किए हैं। और चूंकि ये टॉप 5 ऐप्स का ही वीडियो था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें दो ऐड कर दिए जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये है एप्लीकेशन फ्रेंड वॉलपेपर के लिए स्पेशली, देख सकते हैं आप इसमें बहुत सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे जो यूनिक डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको शेयर वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, शेयर विथ फ्रेंड्स का ऑप्शन मिल जाता है, सेट एज लॉक स्क्रीन, सेट एज होम स्क्रीन, बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। और जिनको पैटर्न में अपने वॉलपेपर रखने का शौक है, या एनिमल्स या एमोल्ड या ब्लैक या कार का भी जो लोग शौकीन हैं, तो वो लोग भी फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेली अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, जो कि यूनिक फील आपको देगा फ्रेंड। तो आपको यहाँ वहाँ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। तो इस ऐप का इस्तेमाल करके आप काफ़ी आसानी से बहुत सारे वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने होम स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं, ताकि आपके मोबाइल को काफ़ी अच्छा और प्रिटी लुक देखने को मिल जाए। तो होम स्क्रीन पर आप इसे सेव कर लें या फिर बोथ पर भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, लिंक छोड़ दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो पैटर्न डिज़ाइन लगता है, क्योंकि मैं भी अपने मोबाइल पर काफ़ी सारे पैटर्न्स के वॉलपेपर रखता हूँ। आपने होम स्क्रीन पर भी देखा होगा कि काफ़ी सारे वॉलपेपर मैंने पैटर्न्स पे रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा ऐप है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे जो लास्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है ब्लू लाइट। इस ऐप का इस्तेमाल आप अपनी आंखों की रोशनी को बचाने के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रात में आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इसे इनेबल कर लें और यहाँ पर आपको ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे भोर तक आप इसे ऑन कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस एप्लीकेशन को तो आप ज़रूर रख लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपकी आंखों की रोशनी भी बच सके और आपकी आँख सेफ रह सके, क्योंकि इससे जो ब्लू लाइट्स निकलती है वो हमारे लिए काफ़ी ही डेंजरस फील कराती है और हमारी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, लिंक छोड़ दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अब भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय भारत, जय हिंद। प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस अपडेट फ्रॉम